हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स। एंड मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर अभी प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन के अल्टरनेट पे एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरा नाम है अनिकेत कदम। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल में भी वही पॉइंट्स आएंगे जो ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल होटल में आए थे। कुछ कॉमन पॉइंट्स, जैसे कि उसका ओनर कौन है, इज इट अ ट्रस्ट, इज इट अ कंपनी, इज इट अ पार्टनरशिप फर्म। उसके ऊपर से आप उसका MOA, AOA या पार्टनरशिप डीड चेक करोगे। फिर नेक्स्ट, चेक द प्रोविजंस दैट आर अफेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि ऐसे प्रोविजंस देखिए जिससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर ऑडिट के प्रोसीजर अप्लाई करिए। उसके बाद हमें मिनट बुक चेक करना है मीटिंग्स का, कौन से मीटिंग्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या गवर्निंग बॉडी या जो मैनेजिंग कमिटी है जो मीटिंग लेते हैं, उनके मिनट बुक आपको चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्यों चेक करना है बॉस? ये चेक करना है क्योंकि हमें एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब कितने एक्सटेंड तक हमें ऑडिट करना है, ये हमें पता चलेगा। ऊपर ऊपर से करना है या बहुत डीपली जाके करना है? उसके बाद हमें चेक करना है पास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, पास्ट के जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसको एनालाइज करना है, स्टडी करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या गलतियाँ पिछले साल हुई थी, इस साल वो नहीं होनी चाहिए, या इस साल वापस से हुई है तो इसलिए तो ऑडिट कर रहे हैं दोस्त। तो उसके बाद हमें देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स से पूरा डिटेल्स लेना है, हमें उनकी डिटेल्स लेना है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स लेना है, या मतलब अपने को कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो उनसे हम क्वेश्चनिंग कर सके। सो दिस वॉज ऑल कॉमन पॉइंट्स, पर हॉस्पिटल में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे, आपको वो लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ चार्जिंग द पेशेंट, हम पेशेंट्स को किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अभी देखना है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके अकाउंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं और प्रॉपरली डेबिट कर रहे हैं, और प्रॉपरली उनसे वो अमाउंट रिकवर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि कोई पेशेंट का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें वो पेमेंट्स टाइम पे आ रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद हमें OPD स्लिप्स जो हमने पेशेंट्स को दिया है वो सीरियली नंबर किया गया है या नहीं, वो भी आपको देखना है। सो, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है जो इंटरनल कंट्रोल है हॉस्पिटल्स में, जो स्टोर्स में जो परचेसेस होते हैं, किसके परचेसेस हो सकते हैं, मेडिसिंस के, लिनन्स जैसे बेडशीट एंड ऑल, केमिकल्स के, क्लोथिंग्स, अपैरेटस, ऑल दैट स्टफ यू हैव टू वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल, हाउ इट इज बॉट एंड हाउ इट इज यूज्ड और कंज्यूम्ड। तो अनिकेत वो भी कर लिया, उसके बाद क्या? तो दोस्तों आपको ये फाइनेंशियल ईयर का एक छोटा सा पीरियड लेना है, उसमें से पूरे बिल्स चेक करने रैंडमली सैम्पलिंग बेसिस पे, तो उस पे से आपको समझ में आएगा कि कितने गलतियाँ हो सकती है, कितनी गलतियाँ नहीं हो रही है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद आपको ट्रेस करना है, अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया तो उसका एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक पूरे ट्रांजैक्शन हमें वेरीफाई करने के, उसका बेड का बिल, उसके मेडिसिन के बिल या उसका फूड का बिल, ये सब कैसे कलेक्ट किया जा रहा है और कैसे नहीं कलेक्ट किया जा रहा है वो आपको देखना है। उसके बाद उसको सर्विसेज दी जा रही है डिफरेंट एरिया में, जैसे पैथोलॉजी हो सकता है, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है, रेडियोलॉजी हो सकता है, तो उसका कंसल्टेशन फीस हम कैसे ले रहे हैं, किसको चार्ज कर रहे हैं, किसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहा है, वो भी आपको देखना है। उसके बाद कंसेशन दे रहे हैं या फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं कौन से पेशेंट को, जिसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है दोस्त, तो हॉस्पिटल से कोई स्कीम है तो उसका ऑथोराइजेशन कहाँ से हो रहा है वो भी आपको देखना है। उसके बाद वाउच एंट्रीज इन द कैश बुक विद रेफरेंस टू द कॉपीज ऑफ रिसिप्ट, इशूज एंड बिल रिकॉर्ड्स, ये भी कॉमन पॉइंट है, आप कौन से भी स्पेशल ऑडिट में ये लिख सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, इंस्टीट्यूशन में भी आया, होटल में भी आया, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद आपको सेटलमेंट्स देखना है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी, किसी पेशेंट ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो फिर उसका पेमेंट हमारे पास बैंक में टाइमली आ रहा है, या उसमें से भी कोई चार्जेस कटते हैं 1.5%, 2%, वो भी हमें देखना। तो उसके बाद हमें एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास है उसको कैसे दिखाया गया है, मतलब फिजिकली वेरिफिकेशन कर लो लाइबिलिटीज़ है तो वो सच में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, वो भी आपको देखना है। रेंट डिविडेंड जो हमें मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रहे हैं, वो भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद हमें चेक करना है ऑक्यूपेंसी रेशियो, ऑक्यूपेंसी रेशियो मतलब एक आदमी हमारे हॉस्पिटल में कितने दिन रह रहा है, वैसे रोज़ हमारे हॉस्पिटल में कितने लोग कितने दिन रह रहे हैं, ऐसे उसका एक ऑक्यूपेंसी रेशियो रहता है, वो हमें देखना है। तो उसके बाद हमें देखना है कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं लोगों को उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उससे रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद मेडिसिन की जो हमें कॉस्ट हो रही है उससे हमें कुछ
इनकम रियलाइज हो रही है या नहीं, वो भी आपको अच्छे से चेक करना है। और वो उसको हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे कि पिछले साल उसका प्रॉफिट कितना था या कॉस्ट कितना था, या लॉस भी हो सकता है तो लॉस कितना था, और इस साल उसका प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है या उसका कॉस्ट कितना है। सो कंप्लीट हो चुका है ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल कंप्लीट दोस्तों। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं ऐसे ही वन डे अल्टरनेटिव पे वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, रोज सुबह 10 बजे वीडियो आएगा एक दिन के गैप में। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी बताइए ऐसे ऐसे वीडियो आने वाले हैं ऑडिट पे जो आपको बेनिफिट होने वाले। तो इस वीडियो का आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, कीप स्माइलिंग दोस्तों और स्टडी हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।